ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं केवल उपनिषद का वर्णन करने जा रहा हूँ। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा अंतर्गत है। इसमें महर्षि आश्वालायन द्वारा जिज्ञासा प्रकट करने पर ब्रह्मा जी ने कैवल्य पद प्राप्ति का मर्म समझाया है। इस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति कर्म धन या संतान के सहारे असंभव बतलाते हुए उसके लिए श्रद्धा भक्ति ध्यान और योग का आश्रय लेने के लिए कहा गया है। अंतःकरण को नीचे की अरणी तथा ओंकार को ऊर्ध्व अरणी के रूप में प्रयुक्त कर ज्ञानाग्नि प्रज्वलित करके सांसारिक विकारों को दहन करने का निर्देश दिया गया है। स्वयं को ब्रह्मी चेतना से अभिन्न अनुभव करते हुए सबको स्वयं में तथा स्वयं को सब में अनुभव करते हुए त्रिदेवों चराचर पंचभूतों सभी में अभेद की स्थिति का वर्णन किया गया है। अंत में इस उपनिषद के अध्ययन की फल श्रुति कही गई है। शांति पाठ। ओम सह नाववतु इति शांति दृष्टव्य अवधूतोपनिषद। अथा अश्वलयानो भगवन्तं परमेष्ठी मुपसमेत तो वाच अदि ही भगवंत ब्रह्म विद्यां वरिष्ठां सदा सद्भि देवमानां निगुढां यथा चिरा सर्वपापं वैपुह्य प्रात परम पुरुषं याति विद्वान। ये श्लोक नंबर एक है। महान ऋषि आश्वालायन भगवान प्रजापति ब्रह्मा जी के समक्ष हाथ में समाधि लिए हुए पहुँचे और कहा, हे भगवान, आप मुझे सदैव संत जनों के द्वारा सेवित अति गोपनीय एवं अतिशय वरिष्ठ उस ब्रह्म विद्या का उपदेश प्रदान करें जिसके द्वारा विद्वजन शीघ्र ही समस्त पापों से मुक्त होकर उन परम पुरुष पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। श्लोक दो। तस्मै स होवाच पिता महस्य श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाद दैवी। तदंतर ब्रह्मा जी ने कहा, हे आश्वालायन, तुम उस अति श्रेष्ठ प्रातपर तत्व को श्रद्धा भक्ति ध्यान चिंतन और योगाभ्यास का आश्रय लेकर जानने का प्रयास करो। तीसरा श्लोक। न कर्मणा न परजया धनेन त्यागे नैके अमृत तो मानुषु परेण नाकम निहितम गुहायाम विभ्रजायते यद तयो विशंति। उस अमृत की प्राप्ति न कर्म के द्वारा न संतान के द्वारा और न ही धन के द्वारा हो पाती है। उस अमृत तव को सम्यक रूप से ब्रह्म के जानने वालों ने केवल त्याग के द्वारा ही प्राप्त किया है। स्वर्ग लोक से भी ऊपर गुहा अर्थात बुद्धि के
गह्वर में प्रतिष्ठित होकर जो ब्रह्मलोक प्रकाश से परिपूर्ण है, ऐसे उस ब्रह्मलोक में संयमशील योगीजन ही प्रविष्ट होते हैं। चौथा श्लोक। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योग अद्यतः शुद्ध सत्वा ते ब्रह्मलोकेषु प्रांत काले प्राम्रतः प्रीमुचन्ति सर्वे। जिन योगीजनों ने वेदांत के विशेष ज्ञान से एवं श्रवण मनन तथा निधि ध्यासन अनुभूति के द्वारा उस परमात्म तत्व को प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, ऐसे वे पवित्र अंतःकरण से युक्त योगी जन संन्यास योग के द्वारा ब्रह्मलोक में गमन करके अमृत तुल्य हो कल्पांत में मुक्त हो जाते हैं। पांचवा श्लोक। विविक्त देशे च सुखा सनस्थ है शोची ही समग्रीव शिरह शरीरह अंत्याश्रमस्थ सकलेन्द्रियाणि निरुद्ध भक्त्या सवगुरुं प्रणम्य। योगीजन स्नान आदि से अपने शरीर को शुद्ध करने के पश्चात एकांत स्थान में सुखासन से बैठें। उसके पश्चात ग्रीवा सिर तथा शरीर को एक सीध में रखकर समस्त इंद्रियों का निरोध करके भक्ति पूर्वक अपने गुरु को प्रणाम करें। तदंतर संन्यास आश्रम में स्थित वे योगी जन अपने हृदय कमल में रजोगुण से रहित विशुद्ध दुख शोक से रहित आत्म तत्व का विशद चिंतन करें। छठा श्लोक। हृत्पुंडरीकं विरजं विशुद्धं विचिन्तय मध्ये विशुद्धं विशोकं अचिन्तय अव्यक्त मनंत रूपं शिवं प्रशांत अमृतं ब्रह्मयोनि। सातवां श्लोक। तम आदि मध्यांतर विहीन एकं विभुं चिदा आनंद रूप अद्भुतं उमा सहायं परमेश्वरं प्रभुं त्रिलोचनं नीलकंठं प्रशांतं ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनिं समस्त साक्षिं तमसः प्रस्तात। इस तरह से जो अचिंत्य अव्यक्त तथा अनंत रूप से युक्त है, कल्याणकारी है, शांत चित्त है, अमृत है, जो निखिल ब्रह्मांड का मूल कारण है, जिसका आदि मध्य है और अंत नहीं है, जो अनुपम है, विभो विराट और चिदानंद स्वरूप है, अरूप और अद्भुत है, ऐसे उस उमा ब्रह्म विद्या के साथ परमेश्वर को संपूर्ण चर अचर के पालन कर्ता को शांत स्वरूप तीन नेत्रों वाले नीलकंठ को जो समस्त भूत प्राणियों का मूल कारण है, सभी का साक्षी है और अविद्या से रहित हो प्रकाशमान हो रहा है, ऐसे उस प्रकाश पुंज परमात्मा को योगी जन ध्यान के माध्यम से ग्रहण करते हैं। आठवां श्लोक। स ब्रह्मा स शिव सेन्द्र सो अक्षर परम सवराट स एव विष्णु स प्राण स कालो अग्नि स चंद्रमा। वही प्रातपर पुरुष ब्रह्मा है, वही शिव है, वही इंद्र है, वही अक्षर रूप में शाश्वत ब्रह्म है, वही भगवान विष्णु है, वही प्राण तत्व है, वही कालाग्नि और चंद्रमा के रूप में भी है। नौवां श्लोक।
एव सर्वं यद् भूतं यच् भव्यं सनातनं ज्ञात्वा तं मृत्युं तेति ज्ञानहे पंथा विमुक्तये। जो कुछ व्यतीत हो चुका है तथा जो भविष्य में होने वाला है, सभी कुछ वही परात्पर पर ब्रह्म है। ऐसे उस श्रेष्ठ सनातन परमात्म तत्व को प्राप्त करके प्राणी मृत्यु से परे अर्थात मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। वह फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसता। 10वां श्लोक। सर्वभूत सर्वभूतस्थ भूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि सन् पश्य ब्रह्म परम याति ज्ञानेन हेतुना। जो मनुष्य अपनी आत्मा को समस्त भूत प्राणियों के समान देखता है और समस्त भूत प्राणियों को अपनी अंतरात्मा में देखता है, ऐसा ही वह साधक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करता है। वह अन्य दूसरे और किसी उपाय से उस ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर सकता है। 11वां श्लोक। आत्मानम् अरणिं नमरणिं कृत्वा पर्णवम् चोत्तरारणिं ज्ञान निमर्थ अभ्यास पापम दहति पंडितः। ज्ञानी जन अपनी आत्मा अर्थात अंतःकरण को नीचे की अरणि एवं ओमकार को पर्णव को ऊर्ध्व की अरणि बनाते हुए ज्ञान रूपी मंथन के अभ्यास प्रकृति प्रक्रिया द्वारा जगत के बंधनों पापों को भी नष्ट कर डालते हैं अर्थात ज्ञानाग्नि में जलाकर भस्म कर देते हैं। 12वां श्लोक। स एव माया प्रीमोहितात्मा शरीरम आस्थाय करोति सर्वम् स्त्रिय अन्नपानादि विचित्र भोगै स एव जागृत प्रीतृप्तिमेति। वही अधीन हुआ अति मोहग्रस्त होकर शरीर को ही अपना स्वरूप स्वीकार करते हुए सभी तरह के कर्मों को करता रहता है। वही जागृत अवस्था में स्त्री अन्न पान आदि विभिन्न प्रकार के भोगों का उपभोग करता हुआ तृप्ति लाभ प्राप्त करता है। 13वां श्लोक। स्वप्ने से जीव है सुख दुख भोगता सौमाया कल्पित जीव लोके सुसुप्ति काले सकले विलीने तमो अभिभूत है सुख रूपे मति। स्वप्न अवस्था में वही जीव अपनी माया के द्वारा कल्पित जीव लोक में सभी तरह के सुख और दुख का उपभोग करने वाला बनता है तथा सुसुप्ति काल में माया द्वारा रचित समस्त प्रपंचों के विलीन होने के उपरांत वह जीव तमोगुण से अभिपूरित हुआ सुख के स्वरूप को प्राप्त करता है। 14वां श्लोक। पुनश्च जन्मांतर कर्म योगात् एव जीवः स्वपिति प्रबुद्धः पुरत्रये क्रीडति यश्च जीवन तस्तु जातम सकलम विचित्रम आधारम आनंद खंड बोधम यस्मिल्लयम याति पुरतंत्रियम च। 15वां श्लोक। एतस्मात् जायते प्राणो मन सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिर् पश्च पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। तत्पश्चात पुनः वह जीव जन्म जन्मांतरों के कर्मों की प्रेरणा से सुसुप्ति से स्वप्नावस्था में अवतरित होता है। इसके अनंतर वह जागृत अवस्था में गमन करता है। इस तरह स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर रूप
तो इन पुरियों में जो जीव क्रीड़ा करता है उसी से यह सभी प्रपंचों की विचित्रता उत्पन्न होती है। इन संपूर्ण प्रपंचों का आधार स्तंभ आनंद स्वरूप अखंड बोध स्वरूप है, जिसमें स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर रूप तीनों पुरियां लय को प्राप्त होती हैं। इसी से प्राण मन एवं समस्त इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। आकाश वायु अग्नि जल और समस्त विश्व का धारण पोषण करने वाली पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। 16वां श्लोक। यत् परम ब्रह्म सर्वात्मा विश्व सयायतनम महत् सूक्ष्म अति सूक्ष्म तरम नित्यम तत्त्वमेव तवमेव तत्। जो पर ब्रह्म परमेश्वर समस्त भूत प्राणियों की आत्मा है, जो सभी कार्य कारण रूप जगत का महान आयतन आधार है, जो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, नित्य है, वह तत्व तुम ही हो, तुम वही हो। 17वां श्लोक। जागृत स्वप्न परसुप्ति आदि परपंचम यत प्रकाशते तद ब्रह्माहमीति ज्ञात्वा सर्वबन्धैः प्रमुच्यते। जागृत स्वप्न और सुसुप्ति अवस्था आदि जो परपंच प्रतिभाषित है वह पर ब्रह्म रूप है और वही मैं हूँ, ऐसा जानकर जीव समस्त बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। 19वां श्लोक। त्रिषु धामसु यद् भोग्यं भोगता भोगश्च यद् भवेत् तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रो अहम् सदाशिवः मय्येव सकलं जातं मयि सर्वं प्रतिष्ठितं मयि सर्वलयं याति तत् ब्रह्माद्वय सम्यहम्। तीनों अवस्थाओं जागृत स्वप्न और सुसुप्ति में जो कुछ भी भोगता भोगे और भोग के रूप में है उनसे विलक्षण साक्षी रूप चिन्मय स्वरूप वह सदाशिव स्वयं मैं ही हूँ। मैं ही स्वयं वह ब्रह्म रूप हूँ। मुझ में ही यह सब कुछ प्रादुर्भूत हुआ है, मुझ में ही यह सब कुछ स्थित है और मुझ में ही सभी कुछ विलीन हो जाता है। वह अद्वै ब्रह्म रूप परमात्मा मैं ही हूँ। 20वां श्लोक। अनोरण्ये यान मेव तद्वन महानम विश्वमहं विचित्रम पुरातनो अहम पुरुषो ओ हमीशो हिरण्यो अहम शिवरूपम अस्मि। मैं पर ब्रह्म अणु से भी अणु अर्थात परमाणु हूँ। ठीक ऐसे ही मैं महान से महानतम अर्थात विराट पुरुष हूँ। यह विचित्रताओं से भरा पूरा संपूर्ण विश्व भी मेरा स्वरूप है। मैं पुरातन पुरुष हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही हिरण्य में पुरुष हूँ और मैं ही शिव स्वरूप परम तत्व हूँ। श्लोक 21वां। अपाणी पादो हम चिंतय शक्ति पश्यामे चक्षु स शरणो मे कर्ण है अहम विजानामि विविक्त रूपो न च अस्ति वेता मम चित सदा अहम। 22वां श्लोक। वेदैर कैर मेव वेदो वेदांत कर देव विदेव चाहम। वह हाथ पैरों से रहित होते हुए भी सतत गतिशील है, जो चिंतन से परे है, ऐसा शक्ति स्वरूप ब्रह्म मैं ही हूँ। मैं नेत्रों के अभाव में सभी कुछ देखता हूँ, कानों के बिना भी सब कुछ श्रवण करता हूँ, बुद्धि आदि से पृथक होकर भी मैं सब कुछ जानता हूँ, किंतु मुझे जानने वाला कोई नहीं है। मैं सदा ही चित स्वरूप हूँ।
समस्त वेद उपनिषद आदि द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। मैं ही वेदांत का कर्ता हूँ और वेदवेता भी स्वयं मैं ही हूँ। 23वां श्लोक। ने पुण्य पापे मम नास्ति नासो न जन्म देह इंद्रिय बुद्धिरस्ति ने भूमि रापो न च वर्हि अस्ति न चालिनो मे अस्ति न चाम्रम च। मुझ ब्रह्म को पुण्य पापादि कर्म स्पर्श नहीं करते। मैं कभी भी नष्ट नहीं होता और न ही मेरा कभी जन्म ही होता है। ने मेरे शरीर मन बुद्धि और इंद्रियां ही हैं। मेरे लिए न भूमि है न जल है न अग्नि है न वायु है और न आकाश तत्व ही है। 24वां श्लोक। एवं विदित्वा परमात्म रूपम गुहा आशम निष्कलम द्वितीयम समस्त साक्षिम सदस्वे विहीनम प्रयाति शुद्धम परमात्म रूपम। 25वां श्लोक। यह शत्रुद्रिय मधिते सो अग्निपूतो भवति स वायुपूतो भवति स आत्मपूतो भवति स सुरापानपूतो भवति स ब्रह्महत्याया पूतो भवति स सुवर्णतया पूतो भवति स कर्ता कर्तय पूतो भवति तस्मात् विमुक्त आश्रितो भवते त्या शर्मी सर्वदा शक्रद्वा जपित। जो भी मनुष्य अविनाशी ब्रह्म को इस प्रकार से गुहा अर्थात बुद्धि के गह्वर में स्थित निष्कल अंग विहीन एवं अद्वितीय सत सत से परे सभी के साक्षी रूप में विद्वान जानता है वह पवित्रतम परमात्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। जो भी मनुष्य इस शत्रुद्रिय का पाठ करता है वह अग्नि के सदृश पवित्र हो जाता है। वायु की भांति गतिशील रहते हुए सुचिता का वर्णन करता है। वह सुरापान और ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो जाता है। उसे स्वर्ण की चोरी का पाप भी नहीं लगता। शुभाशुभ कर्मों से उसका उद्धार हो जाता है। भगवान सदाशिव के प्रति समर्पित हो वह अविमुक्त स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जो मनुष्य आश्रम से अतीत हो गए हैं ऐसे उन परमहंसों को सर्वदा या फिर कम से कम एक बार इस उपनिषद का पाठ अवश्य करना चाहिए। 26वां श्लोक। अनेन ज्ञानम प्रणोति संसार वरण वनाशनम तस्मात् देवम विदित्वैनम केवलम पदम श्रुणुते केवलम पदम श्रुत इति। उससे उस विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है जो ज्ञान भवसागर को नष्ट कर देता है। इस प्रकार इस उपनिषद को ऐसा जानकर व्यक्ति कैवल्य फल को प्राप्त कर लेता है। कैवल्य पद को प्राप्त हो जाता है। सेनावतु इति ही शांति इति कैवल्यनो उपनिषद समाप्ता। इस के साथ ये उपनिषद संपूर्ण हो जाता है और इसके साथ ये वीडियो भी संपूर्ण हो जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों। नमस्कार। धन्यवाद।